आज ये इंडिया चाइना फ्यूचर सीरीज का तीसरा और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम चीन की आंतरिक स्थिति, किन परिस्थितियों में चीन टूटेगा, कब टूटेगा चीन, किन किन भागों में टूटेगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा या नहीं, होगा तो कैसे होगा, और भारत किस तरीके से एक धार्मिक सुपर पावर बनेगा, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप मुझे देख रहे हैं वत्स सुवाच चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को दबा लें। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा है किस तरीके से चाइना बहुत मेहनत और बहुत जतन से गुरु की महादशा में एवं शनि की महादशा में लगभग 30-32 वर्षों तक लगातार बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो करके एक गरीब देश से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको दुनिया का सुपर पावर माना जाने लगता है। वह अमेरिका को चैलेंज करने लगता है, वह वर्ल्ड के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर अपनी पकड़ बना लेता है और कुछ इस तरीके के पोजीशन में आ जाता है कि वो बहुत सारे जगहों पर एक तरह से जो भी नियम कानून से ये दुनिया चलती है उसको चैलेंज करना शुरू करता है। और तभी 2019 में बुध की महादशा शुरू होती है। बुध चीन की कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण एवं दुश्मन का होता है। छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है और चीन के 12वें भाव में एक बहुत ही जबरदस्त सूर्य ग्रहण लगता है 26 दिसंबर को। तो ये छठा और 12वां भाव जैसे ही एक्टिवेट होता है चाइना का, वहां कोरोना वायरस दस्तक देता है, लाखों लोगों की मृत्यु होती है और फिर चीन कुछ ऐसा करता है कि कोरोना पूरे विश्व में फैल जाता है और आज पूरा विश्व चीन का दुश्मन बन गया है। रोग, दुश्मन, ऋण के बारे में भी हमने चर्चा किया था। चाइना बहुत हैवी इंडस्ट्रियल लोन्स में है। इंडस्ट्रियल बोरोइंग्स चाइना की बहुत हाई है। वहां के बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अभी 21 जून को एक बड़ा सूर्य ग्रहण फिर से होने वाला है और ये सूर्य ग्रहण जो है ये चीन के छठे भाव में होने वाला है। रिमेंबर, पिछला सूर्य ग्रहण इसके 12वें भाव में था, इस बार इसके छठे भाव में है। राहु और केतु पहले से ही छठे एवं 12वें में एक्सिस बनाए हुए हैं। इससे चीन का छठा भाव फिर से जागृत हो रहा है और 21 से ठीक 3 दिन पहले मंगल जो है वो कुंभ से निकलकर मीन में जा रहे हैं। मीन राशि जो है वो चीन का तीसरा भाव है और वहां पे राहु बैठा हुआ है, यानी कि गोचर के मंगल चीन की कुंडली में उसके राहु के ऊपर से गुजरेंगे। ये जो स्थिति बन रही है इसमें आप देखिएगा, चाइना कुछ चीज जो छुपाना चाह रहा है पूरी दुनिया से, चाइना का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट अभी जैसे ही मंगल मीन राशि में आएंगे और खास करके वो जब 6 डिग्री के होंगे तो एक बड़ा विस्फोट होगा चाइना की तरफ से। मंगल के मीन राशि में जाने का एक और भी इम्पोर्टेंस है। मंगल जैसे ही मीन राशि में जाएंगे वो एक्चुअली जो ग्रहण का प्लेस है यानी कि मिथुन राशि, उसको मीन राशि से बिल्कुल स्क्वायर में चौथी दृष्टि से देखेंगे। एक तरफ मिथुन और दूसरे तरफ धनु, धनु एवं मिथुन के बीचों बीच होंगे मंगल। और यदि शी जिनपिंग की कुंडली भी देखें तो उनका भी 12वां भाव में जाएगा मंगल। ये शी जिनपिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। मैंने पिछले वीडियोस में भी चर्चा किया था, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी आज की तिथि में शी जिनपिंग के विरोध में है। चीन एक अथॉरिटेरियन कंट्री है इसलिए वहां से न्यूज़ नहीं मिलता है हमें, बट ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि शी जिनपिंग इज नॉट वेरी पॉपुलर इन चाइना दीज डेज। ऐसा कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के बाद जो उनके नंबर 2 और नंबर 3 हैं वही उनसे खफा है। और ये बुध का महादशा का जो आधा भाग है फ्रेंड्स,
लगभग 8 से 9 साल। इसमें चीन का छठा भाव एक्टिवेटेड रहेगा, चीन बहुत सारे दुश्मनी करेगा लोगों से और चीन में बहुत सारी महामारियां और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। 21 जून के ग्रहण के बाद मंगल जैसे ही मीन राशि के 6 डिग्री पर आएगा तो वो एक ऐसे तारा के साथ, एक ऐसे नक्षत्र के साथ उसका संयोग होगा जो अपने आप में बहुत विध्वंसक होता है। पूर्वा भाद्रपद में दरअसल 2 तारे होते हैं, एक पेगासस और दूसरा शीट। तो 6 डिग्री में जैसे ही मंगल आएंगे वहां से वो सूर्य ग्रहण की स्थिति को स्क्वायर तो करेंगे ही, साथ ही शीट नामक तारा के साथ उनका कंजंक्शन होगा और इस कंजंक्शन से चीन में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। सबसे पहला तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, चीन में कोई बड़ा भूकंप आने की संभावना है। दूसरे, चीन में जल से रिलेटेड आपदाएं आएंगी, बाढ़। चौथे, चीन में अपराइजिंग होगा लोगों का, लोग शी जिनपिंग एवं कम्युनिस्ट पार्टी के रूल से बहुत खुश नहीं हैं। और देखिए, ये एक जनरल नियम है कि घर में जब पैसे की कमी होती है तो सबसे पहले घर में कलह होता है। चाइना का जैसे ही इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और पैसों की जैसे जैसे कमी आएगी चाइना में, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ऐसे देशों में कर रखा है जो एक तरह से आप डूबा हुआ समझिए, वो पैसा आने वाला नहीं है। और दूसरा, इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये मंदी जो है ये चीन को खा जाएगा। चीन में पॉपुलर अपराइजिंग आएगा, शी जिनपिंग अनपॉपुलर होंगे। 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग दोबारे से चीन के प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, तब तक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। अभी जो ये जून का सूर्य ग्रहण है और खास करके 28 जून के बाद जब मंगल 6 डिग्री पे आएंगे मीन राशि में, तो आप देखिएगा चीन जो है ये भारत के साथ फिर से पंगा लेगा। आप जो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि चीन और भारत में वार्तालाप चल रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए हैं, दोनों देश की सेनाएं पीछे हट रही हैं, इस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। चीन एक इतना ही गंदा, इतना घटिया, इतना बदमाश देश है कि उस पर भरोसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। 1962 की स्थिति आपको याद होगी, हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच में चीन ने भारत के पीठ में खंजर भोंपा था, तो फिर से वैसा ही होगा। आप देखिएगा अगस्त के लगभग ऐसी स्थिति बनेगी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रॉन्टियर्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और नॉर्दर्न फ्रॉन्टियर्स, यहाँ दोनों जगह हम लोगों को एक वॉर के जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होगा लेकिन एक युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। हालांकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यहां से हम लोग थोड़ा सा आते हैं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर पे। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर चाइना एवं यूएसए के चलते होगा? अभी जो चीन और यूएसए के बीच में तकरार चल रहा है, क्या इसी के कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? अधिकतर लोग ऐसा बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है, लेकिन मुझसे पूछिएगा तो मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ज्योतिषीय विवेक कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा ईरान से। दरअसल ये इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है, ये मंदी जो है, इसमें पश्चिमी देश इतने परेशान हो जाएंगे कि वो अपना जो एक बौखलाहट है और अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये लोग आने वाले 3-4 वर्षों में ईरान पर हमला करेंगे। और ईरान पर ये जैसे ही हमला करेंगे पूरा मिडिल ईस्ट जो है उस युद्ध में कूद पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, इज़राइल, कतर, लेबनान, कुवैत, और ये जो एक कंडीशन बनेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जब आपस में भिड़ेंगे तो उस युद्ध में फिर रशिया घुसेगा और फिर चाइना घुसेगा। एक व्यापक युद्ध होगा जिसको हम तृतीय विश्वयुद्ध तो नहीं कह सकते लेकिन तृतीय विश्वयुद्ध के जैसा ही होगा। हालांकि इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग मैं नहीं देख पा रहा हूं अपने एनालिसिस में, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ नहीं होगा। लेकिन इस युद्ध के बाद होगा क्या कि अमेरिका की शक्ति का ह्रास होगा, रूस की शक्ति कम होगी और चीन की शक्ति भी ख़त्म होगी। इस इकोनॉमिक डाउनटर्न में
इस युद्ध के बाद ये तीनों देश जो आज अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ये कमजोर हो जाएंगे। और इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि भारत इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, बहुत डिप्लोमेटिकली भारत इस युद्ध से दूर रहेगा। और ये भारत का ट्रंप कार्ड है, क्योंकि युद्ध का जब तक अंत होगा तब तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डगमगा चुकी होगी। विश्व को ये समझ में आ जाएगा कि ये पश्चिमी मॉडल जो कैपिटलिज्म का है, जो ब्रिटन वुड्स का मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, खूब ऋण लो और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदो, बड़े बड़े बंगले खरीदो, तड़क भड़क मॉल लाइफ और डिस्कोथेक और नाइट लाइफ, ये सब मॉडल जो है ये चलने वाला नहीं है, ये विश्व को समझ में आ जाएगा। और वहां पर भारत चूंकि युद्ध में भाग नहीं लिया हुआ रहेगा, भारत की शक्ति यथावत रहेगी बल्कि और बढ़ जाएगी, तब भारत की ओर लोग एक नई व्यवस्था के लिए देखेंगे और भारत एक नया इकोनॉमिक मॉडल देगा इस दुनिया को, एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो हमारे वैदिक दर्शनों पर आधारित होगा, एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित होगा, एक धार्मिक मॉडल होगा जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के लिए संवेदना होगी और रिसोर्सेज को शेयर करने का मॉडल होगा। और इस मॉडल को लेकर दुनिया आगे बढ़ेगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में आगे आएगा। अब हम लोग आते हैं चीन टूटेगा कैसे, किन किन भागों में टूटेगा और कब तक टूटेगा। चीन जो है फ्रेंड्स, ये आंतरिक परिस्थितियां जो उसकी बनेंगी, इसमें सबसे पहला देश जो चीन से अलग होगा वो है तिब्बत। और तिब्बत जब अलग होगा तो वो अकेले अलग नहीं होगा, तिब्बत के साथ एक और भी बहुत बड़ा प्रोविंस है, किंघाई प्रोविंस, जो तिब्बत के बगल में ही है और दरअसल तिब्बतियन प्लेटो का ही एक हिस्सा रहा है, लेकिन चाइना ने उसको एक अलग प्रोविंस बना दिया है। तिब्बत और किंघाई ये दोनों मिलकर एक अलग देश बनाएंगे और ये एक बड़ा देश होगा। दूसरा हिस्सा जो चाइना से अलग होगा वो होगा जिनजियांग, जिसको वहाँ के लोग, वहाँ मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रांत है, उसको वहाँ के लोग ईस्टर्न तुर्किस्तान बोलते हैं। ये कभी भी चाइना का हिस्सा रहा नहीं, लेकिन चीन ने इस पर बलात् कब्जा कर रखा है। दूसरा हिस्सा ये अलग होगा। तीसरा हिस्सा जो चाइना से अलग होगा वो होगा चाइना का नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो चाइना का है उसमें बेसिकली तीन प्रोविंस हैं, हेलोंगजियांग, जिलिन और लियाओनिंग। ये इलाका ट्रेडिशनली हिस्ट्री में इसको मंचूरिया के नाम से जाना जाता था और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना को ऑन अ प्लेटर यूएसएसआर ने दे दिया था। ये तीनों हिस्से चीन से अलग हो जाएंगे। यहाँ चाइनीज पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ या तो मंचूज रहते हैं या फिर कोरियन डिसेंट के लोग ज़्यादा हैं। और अब चाइना ने डेमोग्राफिक वहाँ पे बदलाव लाने के कोशिश में हैन चाइनीज लोगों को बसाना शुरू किया है। तो ये तीसरा भाग चीन से टूट जाएगा। इसमें लियाओनिंग का कुछ हिस्सा चाइना के साथ रह जाएगा, खास करके जो उसका कोस्टल बेल्ट है, और नॉर्दर्न बेल्ट जो लियाओनिंग का है वो चला जाएगा हेलोंगजियांग और जिलिन के साथ, और ये तीसरा देश बनेगा। चीन से टूटकर जो चौथा देश बनेगा वो होगा गुआंगजी प्रांत। गुआंगजी प्रांत चाइना के साउथ में है और वहीं पर एक बड़ा द्वीप है हैनान। ये गुआंगजी और हैनान ये दोनों मिलकर एक अलग देश की स्थापना करेंगे। ये चौथा देश हुआ। पांचवा देश जो चाइना से अलग होगा वो होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, इतिहास में भी उसके चर्चे हैं। चीन की दीवार के उत्तर का जो हिस्सा है, जो मंगोलिया से सटा हुआ हिस्सा है, उसको चाइना में इनर मंगोलिया कहते हैं। ये इनर मंगोलिया चाइना से अलग हो जाएगा। इनर मंगोलिया के साथ एक और भी बहुत छोटा सा प्रांत है निंगजिया, ये भी हो सकता है कि उसके साथ चला जाए, लेकिन इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। निंगजिया हो सकता है इनर मंगोलिया के साथ जाए भी और ना ही भी जाए। ये पांच देश चाइना से अलग हो जाएंगे। और छठा देश जो अभी एक तरह से अलग देश ही है लेकिन उसको विश्व ने मान्यता नहीं दी है, ताइवान। वो भी जैसे ही परेशानियां चालू होंगी चाइना में, उसको विश्व के बहुत सारे देश मान्यता दे देंगे और वो छठा देश अलग होगा चाइना से। तो इस तरीके से चीन जो आज एक देश है वो सात अलग अलग देशों में विभक्त हो जाएगा। और ये जिन हिस्सों का मैंने नाम लिया है फ्रेंड्स, ये कोई छोटे मोटे हिस्से नहीं है।
आप यदि चाइना के टोटल एरिया का देखेंगे तो ये लगभग 2/3 एरिया है। तिब्बत, जिंजियांग, इनर मंगोलिया, ये सब बहुत बड़े बड़े प्रांत हैं। ये सब यदि अलग हो जाएंगे तो चीन आज यदि 100 है तो सिर्फ 40 रह जाएगा, यानी कि 60% हिस्सा चाइना का अलग हो जाएगा। तिब्बत और जिंजियांग जब चाइना से अलग होंगे तो चाइना इंडिया का नेबर भी नहीं रह जाएगा। वाज जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे धौंस जमाता रहता है वो हमारा नेबर ही नहीं रह जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये होगा कब तक। देखिए, अगले 8-9 साल चाइना के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बुद्ध का महादशा का जो पहला उत्तरार्ध है ये चाइना के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट समय होने वाला है। मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं, आज राहु जो है वो चाइना के 6ठे भाव में है और केतु 12वें भाव में है। आज से ठीक 9 साल के बाद, आप लोगों को पता होगा राहु और केतु 18 साल लगाते हैं वापस एक ही जगह पर आने में, यानी कि 9 साल के बाद आज जहां राहु है वहां केतु आ जाएंगे और आज जहां केतु है वहां राहु आ जाएंगे। इन 9 वर्षों में चीन के अंदर ये सारा रामायण हो जाएगा। डेमोक्रेसी की मांगें भी उठेंगी, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट फॉर लाइफ नहीं रहेंगे, चीन कई भागों में बट जाएगा और चीन एक तरीके से जो उसका सुपर पावर बनने का जो एक ख्वाब है वो धरा का धरा रह जाएगा, जिसको कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। चाइना अभी अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आएगा तब उसको पता चलेगा कि उसकी ऊंचाई कितनी है और पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वीडियो जो 3 हिस्सों में बना, काफ़ी लंबा हो जाता यदि एक वीडियो में बनाता, तो लगभग 40-45 मिनट का मैटर था। मुझे उम्मीद है आपको मेरा रिसर्च, आपको मेरा होमवर्क पसंद आया होगा, ये वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लिखें, आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो। कोई क्वेरीज है तो आप क्वेरीज भी दे सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के उज्ज्वल भविष्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।